नमस्कार दोस्तों, मैं जी सबका स्वागत करता हूँ साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो ये आज है दोस्तों 14 अप्रैल, और आज की जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इसरो के किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जान एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए ये पुरस्कार इसरो को प्रदान किया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिष्ठित जान एल जैक तो जान एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। और अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, और हाल ही में जो चंद्रयान 3 के लिए इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि चंद्रयान 3 के लिए इसरो को पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजरनी बेनेडिक्ट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है आइसलैंड की। और अगर हम बात करें बजरनी बेनेडिक्टसन ने अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, और आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जैक सब डाटरी ने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और अगर आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जैक सब डॉटरी ने इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा की है, यानी अब ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत किस स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भारत सेकेंड नंबर पे है दोस्तों। और अगर हेपेटाइटिस जो बीमारी है, तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर। 9 अप्रैल को जो WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। और अगर हम बात करें दोस्तों फर्स्ट नंबर पे, तो चीन जो है 35 मिलियन के साथ फर्स्ट नंबर पे है, और सेकेंड नंबर पे दोस्तों 29.8 मिलियन संक्रमण के साथ भारत दूसरे नंबर पे है। लेकिन अगर बात करें तो इनके बीच का गैप देखिए दोस्तों बहुत ही कम है, मिलियन में है लेकिन कम ही है। तो आने वाले समय में अगर इसी तरीके से रहा तो भारत नंबर वन पे इसमें भी आ जाएगा, इस बीमारी के मामले में भी। तो हेपेटाइटिस की बात करें तो यह एकृत लीवर की बीमारी है, जिसमें जो लीवर है या एकृत है वो सूज जाता है, जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है और घातक हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया US इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है तरुण बजाज। तो तरुण बजाज की बात करें तो ये US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम, जिसको USISPF के जो पूर्व जो राजस्व सचिव और आर्थिक मामले के पूर्व सचिव तरुण बजाज को US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया। यानी दोस्तों ये जो हैं, ये पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव रह चुके हैं तरुण बजाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरुण बजाज जी को US इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो चंग ताई हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ताइवान। ताइवान दोस्तों चीन के से सटा हुआ देश है, और चीन इसको
अपना ही मानने में जबरदस्ती लगा हुआ है कि ये उसी देश का पार्ट है, बट चीन अपने ताइवान जो है चीन से अलग देश मानता है और है भी अभी, और ये चीन इस पे जबरदस्ती इस पे विभिन्न प्रकार की रोक टोक करता रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत ने लगातार कौन सी वी वार WTO में शांति खंड लागू किया? तो ऑप्शन है सी राइट आंसर पांचवी बार। भारत ने मार्केटिंग ईयर 2023-24 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक चावल सब्सिडी का हवाला देते हुए एक बार फिर लगातार पांचवी बार विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO में शांति खंड का उपयोग किया है। 2022-23 में भारत का चावल उत्पाद 52.8 बिलियन डॉलर का था, जिसमें कुल 6.39 बिलियन डॉलर की सब्सिडी थी, जो 10% घरेलू समर्थन सीमा से 2% अधिक यानी 12% थी। हालांकि यह उल्लंघन था, लेकिन शांति खंड समझौते के तहत दंड लागू नहीं होता है। भारत ने खाद सब्सिडी सीमा निर्धारित करने वाले फार्मूले में संशोधन की लगातार वकालत की, क्योंकि वे 1986-88 तक का बनाया हुआ है जो बहुत पुराना है। WTO की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, और अध्यक्ष की बात करें नगोजी ओको ने जो इवेला जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो पांचवी बार भारत ने इसकी वकालत की है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है तो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोनिया गांधी वाज इलेक्टेड राज्यसभा MP फ्रॉम विच स्टेट? किस राज्य से सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान से चुनी गई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली, यानी फर्स्ट टाइम है। इससे पहले ये लोकसभा की सांसद हुआ करती थी। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई है। सोनिया गांधी राज्यसभा के सदस्य बनकर राज्यसभा पहुंची हैं। सोनिया गांधी 1998 में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई थी, और 1999 में पहली बार बेल्लारी जो कि कर्नाटक और अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंची थी। सोनिया गांधी कुल 5 बार लोकसभा सांसद रह चुकी हैं, यानी 25 साल तक ये लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं, और पहली बार ये राज्यसभा की सांसद बनी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी HDFC। अब HDFC की बात करें तो HDFC भारत का एक निजी क्षेत्र का बैंक है, और HDFC ने 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है। इसके साथ ही HDFC बैंक ने लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी फर्स्ट प्राइवेट बैंक है जो कि लक्षद्वीप में अपना ब्रांच ऑपरेट कर रहा है। और अगर हम बात करें HDFC की तो इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। HDFC बैंक की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1994 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और इसके जो अभी CEO एंड MD की हैं तो शशिधर जगदीशन इसके वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं या अध्यक्ष के रूप में कह सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियो के लिए कंटिन्यू वीडियो में बने रहें।